शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह अखबार आप लोगों ने जरूर देखा होगा, उसमें दो खबरें बहुत चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं और परेशान करने वाली खबरें हैं। एक आपने देखा होगा कि बत्रा साहब, जो आरएसएस की शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अध्यक्ष हैं, दीनानाथ बत्रा जी, जो पहले भी खबरों में रहे हैं, और दूसरी खबर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब के हवाले से। एनसीईआरटी के संदर्भ में दीनानाथ बत्रा जी के नेतृत्व में जो आरएसएस का ये संगठन है, इसने 5 पेज का एक नोट दिया है कि ये बदलाव किताबों के अंदर किए जाने चाहिए। उन बदलावों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस बात का पूरा एहसास होगा कि आरएसएस की मानसिकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है, और जो लोग इन दिनों सरकार चला रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है। उनको गालिब पसंद नहीं है, उनको उर्दू पसंद नहीं है, और तो और उनको नोबल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर भी पसंद नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर भी पसंद नहीं है, अमीर खुसरो भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैंने वहां पढ़ाई की है, और कभी मैं सपने भी नहीं सोच सकता था कि वहां एक ऐसा वाइस चांसलर भी होगा जिनका कहना यह है कि छात्रों को प्रेरणा देने के लिए टैंक वहां लगाया जाना चाहिए। जब विश्वविद्यालयों से स्कूलों में छात्रों को अगर किताबें प्रेरणा देना बंद कर दें और उनको प्रेरणा दिलाने के लिए अगर टैंक, बंदूक, मशीन गन, गोला बारूद इनकी जरूरत पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि अच्छे दिन तो आने से रहे, देश के दुर्दिन शुरू हो गए। इस पर और विस्तार से बात करेंगी आतिशी जी। कुछ दिन पहले एनसीईआरटी ने एक प्रक्रिया शुरू करी थी कि किताबों को, अपनी टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू करना चाहती है, और उन्होंने देश भर से लोगों से इस संदर्भ में कॉमेंट्स मांगे हैं। और जो दीनानाथ बत्रा जी की संस्था ने, और दीनानाथ बत्रा जी आरएसएस के एक विचारक हैं, उनकी संस्था ने जो कमेंट्स दिए हैं वो हमें आरएसएस और बीजेपी के मॉडल ऑफ एजुकेशन के बारे में कुछ बताता है। अगर आप उनके कमेंट्स देखिए, जैसा आशुतोष भाई ने बताया, वो चाहते हैं कि उर्दू के शब्द हटा दिए जाएँ, अरबिक के शब्द हटा दिए जाएँ, वो चाहते हैं कि पाश की एक कविता है उसको हटा दिया जाए, मिर्ज़ा गालिब का एक कपलेट है उसको हटा दिया जाए, एमएफ हुसैन की ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है उसको हटा दिया जाए। सातवीं कक्षा की हिस्ट्री की किताब में लिखा है कि अकबर ने सुलह कुल एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जो कहता है कि भगवान की नज़रों में सब धर्म एक समान हैं। वो ये वाक्य हटाना चाहते हैं कि अकबर ने ऐसा कुछ शुरुआत की जिससे अकबर ये मानते थे कि सारे धर्म एक समान हैं। उसी तरह से अगर आप देखिए तो तरह तरह के ऐसे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो महिलाओं के बारे में, जो इनइक्वालिटी की बात करते हैं जो हमारे समाज में रहे हैं उसको वो हटवाना चाहते हैं। 1984 रायट्स पे एक क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक में एक पैराग्राफ है जो कहता है कि ड्यूरिंग हिज पार्लियामेंट स्पीच इन 2005 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर ब्लडशेड एंड सॉट एन अपॉलॉजी फ्रॉम द कंट्री फॉर एंटी सिख वायलेंस। दीनानाथ बत्रा जी को लगता है कि ये पैराग्राफ हमारे बच्चों की किताब में नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी का पहला प्रयास नहीं है टेक्स्ट बुक्स का सैफ्रनाइजेशन करने का। इसी तरह से 1998 में जब मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर थे एनडीए की पहली सरकार में, तब एक नई सीरीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस की गई थी एनसीईआरटी द्वारा। उसमें से भी मैं आपको कुछ एक्सट्रैक्ट देना चाहूंगी कि आपको पता चले कि ये कोई दीनानाथ बत्रा की संस्था का एक वन टाइम ओपिनियन नहीं है। उस टेक्स्ट बुक में भी, वहां पे किताबों में, और मैं ये कोट करके आपको बता रही हूं कि इट इज बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ मनु दैट वी आर नोन एज मनुष्य और मानव।
ये टेक्स्ट बुक में लिखा था. उसी तरह से उनकी उस समय की किताब में लिखा था कि साइंटिस्ट्स कंसीडर प्लांट्स एज इनएनिमेट व्हाइल हिंदूज कंसीडर देम एनिमेट. उसी किताब में आगे ये लिखा था, ये छठी की हिस्ट्री की किताब में ये लिखा था कि सती एक ऐसी राजपूत प्रथा है जिसपे हमें गर्व होना चाहिए. ये बताया गया था कि कुतुब मीनार वास्तव में बनाया गया था समुद्रगुप्त द्वारा और उसका असली नाम है विष्णु स्तंभ, कुतुब मीनार नहीं है. तो ये जो पॉलिटिक्स है एजुकेशन के ऊपर, ये बीजेपी और आरएसएस पहले से करते आए हैं और वो पूरी जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको इस लेफ्ट वर्सेस राइट, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इस आइडियोलॉजिकल बैटल में पहुंचाना चाहते हैं. आज हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि किस शताब्दी में बीजेपी और आरएसएस हमारी शिक्षा पद्धति को लेके जाना चाहती है, क्योंकि सवाल जो देश भर में और दुनिया भर में अगर हम देखें 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में एजुकेशन को लेके सवाल ये पूछे जाते हैं कि करिकुलम चाइल्ड सेंट्रिक कैसा हो सकता है, सवाल ये पूछे जाते हैं कि बच्चों के असेसमेंट्स और एग्जाम्स की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सवाल एजुकेशन में आज ये पूछना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सवाल ये होना चाहिए कि हमारे सरकारी स्कूलों में देश भर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ना आता भी है कि नहीं, और अगर नहीं आता तो उसके लिए हमारे पास क्या उपाय है, सवाल ये होना चाहिए कि हमारे पास अपने बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूलों में क्लासरूम है कि नहीं. और इन सब मुद्दों पे अगर आप देखिए बीजेपी की जो सारी स्टेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है. हर साल जो असर रिपोर्ट निकलती है उसके कुछ फिगर्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कुछ बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट्स के. हरियाणा में 46% ऐसे बच्चे हैं पांचवी कक्षा में जो हिंदी दूसरी क्लास की लेवल की हिंदी नहीं पढ़ सकते. गुजरात में 48% बच्चों को पढ़ना नहीं आता. मध्य प्रदेश में 70% बच्चों को पढ़ना नहीं आता. महाराष्ट्र में 38% बच्चों को पढ़ना नहीं आता. उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी जी की सरकार है वहाँ पे 77% बच्चे जो प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता. तो मैं बीजेपी और आरएसएस से ये पूछना चाहूँगी कि आपके लिए ये कंसर्न है कि पाश की कविता होनी चाहिए कि नहीं, मिर्ज़ा गालिब की कविता की पोइट्री होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए कि नहीं, कि आपका ये कंसर्न है कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ना आता है कि नहीं. आप उसी तरह से देखिए गुजरात में 94% बच्चे जो पढ़ते हैं पांचवी कक्षा में वो अंग्रेजी के चार शब्द नहीं पढ़ पाते हैं. महाराष्ट्र में ये नंबर 86% है. मध्य प्रदेश में ये नंबर 96% है. तो मेरा सवाल दीनानाथ बत्रा जी से है कि क्या उन्होंने इन बीजेपी की सरकारों को कोई चिट्ठी लिखी है, क्या उन्होंने कहा है उनको कि जी आपके स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बेसिक रीडिंग एबिलिटीज भी इन प्लेस नहीं है, आप उनको ठीक करिए. उसी प्रकार से अगर आप इन स्टेट्स का बीजेपी रन स्टेट्स का एजुकेशन बजट देखिए तो वो भी वही कहानी बताता है जो उनका रीडिंग लेवल बताता है. यूपी का ओवरऑल बजट का सिर्फ 16% एजुकेशन को जाता है, मध्य प्रदेश का सिर्फ 11%, गुजरात का 11% और महाराष्ट्र का 17%. तो ये दिखाता है कि वास्तव में बीजेपी और आरएसएस एजुकेशन को लेके कितने सीरियस हैं, क्योंकि अगर वो सीरियस होते, अगर वो वास्तव में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते तो वो कर रहे होते जो पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार कर रही होती है. अगर वो एजुकेशन के बारे में सीरियस होते तो वो एजुकेशन का बजट बढ़ाते जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपना 25% बजट एजुकेशन को एलोकेट किया है. अगर वो एजुकेशन के बारे में सीरियस होते तो वो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए क्लासरूम्स हैं कि नहीं और उन क्लासरूम्स में टीचर्स हैं कि नहीं उन पे फोकस कर रहे होते. अगर वो एजुकेशन के बारे में सीरियस होते तो वो अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रीडिंग कैंपेन चलाते जिस तरह से दिल्ली सरकार ने लास्ट ईयर चलाया था, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि हमारे स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ना नहीं आता, पर कम से कम हम उस पर फोकस करके काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे स्कूल हैं वो एक धर्म का और आइडियोलॉजी का बैटल ग्राउंड नहीं है. हमारे स्कूल जो है हमारे फ्यूचर में, हमारे शहर के फ्यूचर में, हमारे देश के फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है.
जैसे हमारी स्कूलों में शिक्षा होगी वैसा हमारा देश होगा, वैसा हमारा शहर होगा। अगर वो एजुकेशन के बारे में सीरियस होते बीजेपी और आरएसएस वाले, तो वो टीचर्स की ट्रेनिंग करा रहे होते, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करते, वो टीचर्स को देश विदेश भेजते कि टीचिंग की क्वालिटी के लिए टीचर्स को अच्छा इनपुट मिल पाए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। बीजेपी और आरएसएस की एजुकेशन को लेके राजनीति धर्म से शुरू होती है और धर्म पर खत्म होती है, इतिहास को बदलने से शुरू होती है और वहां पर खत्म होती है। तो आज हमारा सवाल आरएसएस से, बीजेपी से और उनकी सारी सरकारों से ये है कि आप वास्तव में एजुकेशन को ठीक करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, और अगर आपको सुझाव चाहिए और तरीके चाहिए तो आप दिल्ली में जरूर आइए और हमारे प्रयासों को देखिए।